एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। हर हफ्ते की तरह मैं नेहा राजपूत आपके सामने हाजिर हूँ लेकर साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में बात करेंगे 30 मार्च से 5 अप्रैल तक के बीच के इन 7 दिनों के बारे में। दोस्तों, मार्च महीना जाते जाते और अप्रैल महीने की शुरुआत किस राशि के लिए क्या लेकर आने वाली है, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। इस साप्ताहिक राशिफल में है, हम आपके लिए आपकी राशि के अनुसार भविष्यवाणी बताएंगे, जिसे सुनकर आप अपने आने वाले हफ्ते के लिए पहले से ही तैयार हो सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको 30 मार्च से 5 अप्रैल तक की जो है सटीक भविष्यवाणी देने वाले हैं। नए हफ्ते की शुरुआत से पहले ही हमारे मन में, जो दिमाग में 100 तरह के सवाल उठने लगते हैं कि हमारा ये सप्ताह कैसा जाने वाला है, क्या इस हफ्ते जो है हमारी आर्थिक हालात में सुधार आएगा, या जो पैसों की तंगी है अभी कुछ समय तक और भी झेलनी पड़ेगी, क्या शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी, क्या जॉब के मामले में ये हफ्ता सौभाग्यशाली रहने वाला है या अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा, पारिवारिक दृष्टि से क्या ये सप्ताह अच्छा रहेगा, आपके बहुत सारे सवाल होते हैं सप्ताह से जुड़े हुए। आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में प्रेम से जुड़े भी कोई सवाल हैं, जैसे कि क्या इस हफ्ते आपके और आपके पार्टनर के बीच नजदीकियां आएंगी, बढ़ेंगी, या फिर रिश्ते में चली आ रही कड़वाहट बरकरार रहेगी, कैसे दूर की जाए इन्हें, इस तरह के सभी सवाल प्रेम जीवन से जुड़े हुए जानने के लिए आप एकदम सही जगह पर हैं। ये साप्ताहिक राशिफल सभी 12 राशियों के चंद्र राशि के अनुसार वैदिक ज्योतिष पर आधारित गणना की जाती है। इसमें तो सभी 12 राशि के जातकों को हम बताते हैं कि आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है, बहुत सारी जानकारियां हैं। इसके अलावा आपको इस राशिफल में हम बताएंगे कि इस सप्ताह में आपके राशिफल के अलावा और कौन कौन सी विशेष घटनाएं होने वाली हैं, 30 त्योहार है तो वो कौन कौन से हैं, क्या ऐसे कोई गोचर होने वाला है ग्रहों का जिसका असर आप सभी पर पड़ने वाला है, ये भी आपको बताएंगे। बहुत सारी जानकारियां हैं भविष्य से जुड़ी हुई और इनको सुनने के बाद आपके जीवन में आ रही रुकावट, अड़चन, बाधा, ये सब दूर हो जाएगी। इसमें आपको सीधा और सटीक निवारण भी बताया जाएगा, उपाय बताया जाएगा, और आप अपने उस उपाय को, सिंपल से उपाय को करके अपने सप्ताह को अच्छा बना सकते हैं। तो अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, चलते हैं सीधे राशिफल पे और हम आप बताएंगे आपको कि आपके लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। इस सप्ताह ये जो है चंद्र राशि पर आधारित है। जिन लोगों को अपनी चंद्र राशि नहीं पता है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, एक फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म में अपने बर्थ डिटेल्स जब आप भरेंगे तो आप वहां से अपनी चंद्र राशि सही सही पता लगा सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट www.astrosage.com पर जाएं या हमारे मोबाइल ऐप एस्ट्रोसेज कुंडली को डाउनलोड करें। चलिए बताते हैं आज इस सप्ताह का जो है हिंदू पंचांग और ज्योतिषीय तथ्य। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार इस सप्ताह 30 मार्च से 5 अप्रैल की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को रोहिणी नक्षत्र से हो रहा है, जबकि सप्ताह का अंत 5 अप्रैल चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मघा नक्षत्र में होगा। इस सप्ताह पड़ने वाले मुख्य त्योहारों व्रतों की बात करें तो इस हफ्ते जो है शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी कि 30 मार्च सोमवार को यमुना चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। इसके अलावा शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यानी कि 2 अप्रैल गुरुवार को रामनवमी और स्वामी नारायण जयंती का पर्व मनाया जाएगा, और अंत में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि 4 अप्रैल शनिवार को कामदा एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। अगर बात करें इस सप्ताह होने वाले गोचर पे, ग्रहों के गोचर पे, तो चंद्रमा के अलावा जो है इस सप्ताह की शुरुआत में ही बृहस्पति मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि 30 मार्च सोमवार को होने वाला है। इसके अलावा चंद्रमा जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे, चंद्रमा मिथुन राशि में जो है 31 मार्च, कर्क राशि में 2 अप्रैल और सिंह राशि में 4 अप्रैल को गोचर करेंगे। सप्ताह का अंत सिंह राशि में चंद्र के गोचर से होगा। इन ग्रहों के गोचर का सम्मिलित प्रभाव सभी राशि के जातकों पर जो है पड़ने वाला है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हर एक राशि पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो बात करते हैं इस वीडियो में मेष वालों की। राशि चक्र की पहली राशि है। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में होगा। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत सकारात्मकता के साथ होगी, क्योंकि चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में अपने उच्च भाव में गोचर करेगा, जहां इसकी युति सौंदर्य कारक ग्रह शुक्र से होगी। इस युति के चलते मेष राशि के लोगों को निजी और पेशेवर जीवन में लाभ की प्राप्ति होगी।
आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी और जीवन में सुख सुविधाओं का आगमन होगा। इसके साथ ही आपको अपने परिवार का प्यार और सहयोग भी इस दौरान मिलेगा। आपके निजी जीवन की बात की जाए तो आप इस सप्ताह की शुरुआत में रचनात्मकता के शिखर पर होंगे, जो कि आपके पार्टनर को सरप्राइज कर सकता है और इससे पार्टनर के साथ आपका सामंजस्य भी सुधर सकता है। सप्ताह के आगे बढ़ने के साथ चंद्रमा आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेगा, जहां इस पर क्रूर ग्रह जो राहु है उसका प्रभाव होगा। इस वजह से आपके जीवन में उलझने आ सकती हैं और आप अपने लक्ष्य से दूर हो सकते हैं। आपको सुझाव दिया जाता है कि किसी भी चीज के अच्छे बुरे पहलुओं को जाने बिना कोई भी निर्णय ना ले और भावनाओं में बहकर कोई भी काम ना करें। भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद भी हो सकते हैं, इसीलिए जितना हो सके बातचीत करते समय स्पष्टता बरतें। इस समय आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, खासकर गले से संबंधित कोई परेशानी आपको हो सकती है। ठंडे खाद्य पदार्थों को खाने से इस दौरान परहेज करें। सप्ताह का अंत आशावादी रूप से होगा, क्योंकि सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके चौथे और पांचवें भाव में होगा, जिससे आपको लाभदायक फल मिलने वाले हैं। चंद्रमा की स्थिति के कारण आप खुद को ऊर्जावान पाएंगे, आपका दृष्टिकोण स्वतंत्र होगा, आप अपने पेशेवर करियर को बेहतर बनाने के लिए नए प्रयोग करने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। हालांकि आपको अपने काम के प्रति एकाग्र रहना चाहिए और दिए गए समय पर ही अपना टास्क जो है वो पूरा करना चाहिए, वो भी एक रूपता और अनुशासन के साथ। सप्ताह के अंत में चंद्र के गोचर से पारिवारिक जीवन में आपको अच्छे फल मिलेंगे, रिश्तों में मजबूती आएगी, खासकर माता के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। सप्ताह के अंतिम दिन आपके लिए थोड़े मुश्किलों से भरे हो सकते हैं, इस दौरान आपको हर काम अच्छी योजना बनाकर करना पड़ेगा, तब भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। कई बार आपका स्वभाव बहुत विचित्र हो जाता है, इसीलिए आपको अपने स्वभाव में लचीलापन लाने की भी जरूरत है, इससे आप किसी भी चीज का हल निकाल सकते हैं। पंचम भाव में चंद्र का गोचर उन छात्रों के लिए शुभ रहेगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, अपनी मेहनत का आपको अच्छा फल मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा, इस सप्ताह आप रुके हुए कार्यों को पूरा कर सकते हैं। प्रेम जीवन की बात करें तो ग्रह नक्षत्रों की चाल से पता चलता है कि आपका प्रेम जीवन इस सप्ताह आशाजनक दिशा में आगे बढ़ रहा है। लवमेट के साथ वक्त बिताने के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है, आप उनके पसंदीदा कामों के लिए उन्हें बाहर ले जा सकते हैं, इससे आप दोनों के रिश्तों को मजबूती मिलेगी। अपने स्वभाव पर ध्यान देने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार आप छोटे छोटे मुद्दों को लेकर भी नाराज हो जाते हैं, जिसके कारण आप आवेग में आकर निर्णय ले सकते हैं। इसकी वजह से आपके जो है रिश्ते पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो ये जाना हमने कैसा बीतने वाला है आपके लिए ये आने वाला सप्ताह, थोड़ी बहुत समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए ये सुनिए ज्योतिषीय उपाय। उपाय क्या है? गाय को हरा चारा डालें इस हफ्ते आप, इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओवरऑल भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं, एस्ट्रोसेज देता है आपको 5 में से इस हफ्ते के लिए 4 स्टार, उतना बुरा नहीं है। तो आपका मतलब जो उपाय बताया गया है इसको करें तो परेशानियां दूर हो जाएंगी, बाकी चीजें आप अपनी सोच से विवेक से भी ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो में हमने जाना मेष वालों के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला 7 दिन। तो अगर वीडियो में दी गई जानकारियां पसंद आई हैं तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। इसके अलावा इस हफ्ते में जो भी 30 त्योहार आ रहे हैं उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सभी दर्शकों को जिनका जन्मदिन आता है, आपको भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आप ऐसे ही आगे बढ़े, फले फूले, बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।